तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल काइट लवर ऑफिशियल। तो दोस्तों देखिए, आज की वीडियो में आपको कुछ पतंगे दिखाने वाला हूँ, पौनी जो मैं मैदान में यूज करता हूँ, और मैं कुछ पौनी लेकर आया हूँ। तो देखिए, इसमें कुछ मैं दुकान से भी पौनी लेकर आया हूँ और कुछ पौनी पतंगे ऐसी हैं जो कि हम मैदान लड़ाने जाते हैं तो उसमें जो शाम को जो पतंगे कटती हैं तो वो बच्चे हमें ही बेच देते हैं क्लब वालों को। जो मतलब पतंगे कटती हैं तो बच्चे लूटते हैं, तो वो आखिरी में क्लब वालों को वो सारी पतंगे बेच के चले जाते हैं। तो मैदान में आपको पतंगे सस्ती भी पड़ जाती हैं और आपको अच्छी पतंगे मिल जाती हैं, सब करने बंदी भी टेपिंग करी पतंगे मिल जाती हैं। तो देखिए, मैं अभी इस बैग को खोलता हूँ और फिर मैं आपको पतंगे दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा बैग। तो यहाँ पर बैग आपको खोल के दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं। तो देखिए, जितनी ये सब पतंगे रखी हैं, सब पौनी पतंगे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ सारी पतंगे। तो सबसे पहले देखिए, ऊपर से ये पतंगे आती हैं, ये तो हमने दुकान से ही खरीदी हैं, सही है, दुकान से खरीदी हैं। और जो ये पतंग मुझे पड़ी है दुकान से, ये मुझे 15 रुपये की एक पतंग पड़ी है, ये देख सकते हैं आप। और जो आप ये वाली देख रहे हैं, ये पटेदार पतंग, ये भी हमें दुकान से ली हमने, और ये भी हमें शायद 15-16 रुपये की एक पतंग पड़ी है पटेदार। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये सारी पटेदार पतंगे नहीं, ये देखिए सब वही है, सब सेम है, देख सकते हैं आप। उसके बाद एक पतंग ये है, ये मैदान में तो यूज नहीं होगी क्योंकि कलरफुल है, लेकिन देखिए पतंग अच्छी है। और देखिए, इसका फर्मा भी काफ़ी बढ़िया है, पतंग का कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया डाला है और फर्मा भी काफ़ी अच्छा है। तो ये है हमारे पास पतंग। उसके बाद आपको दिखाऊँ तो देखिए, एक पटेदार में हमें मिली है चील काट पतंग। देखिए, इसे चील काट भी नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे रॉकेट पतंग, क्योंकि इसका फर्मा आप देख सकते हैं, चील काट में तो खाली ऐसे किनारे का देखिए कट होता है, लेकिन इसका आप ऊपर से भी देख सकते हैं, ये देखिए ऊपर से भी फर्मा ऐसा है। तो देखिए, ये जो पटेदार में रॉकेट पतंग है, तो इसका फ़ायदा क्या है, इसकी देखिए चाल काफ़ी तेज़ होगी, चील काट पतंग की चाल काफ़ी तेज़ होती है, और देखिए चील काट के साथ रॉकेट है तो इसकी भी चाल काफ़ी तेज़ होगी। तो ये देख सकते हैं आप, ये रही चील काट के साथ रॉकेट। तो देखिए, ये रही चील काट के साथ रॉकेट, इसमें देखिए यही पड़े हैं सब पतंग, काफ़ी अच्छी हैं ये सारी पतंग, अच्छी हैं। उसके बाद ये अलग करें, देखिए फिर से पटेदार हैं, ये आपको उस दिन दिखा दी थी। अब आती देखिए, अब आती पिंक में पटेदार, ये देखिए पिंक में पटेदार है, ये भी काफ़ी बढ़िया पतंग है, ये देखिए इसकी भी कॉस्ट वही है, 16 रुपये की पड़ी है हमें। पिंक में पटेदार हैं, उसके बाद ये लाल में पटेदार आ जाएंगे, देखिए ये सब सेम है, पिंक लाल। उसके बाद ये नीली के चौक हैं, जो अभी आपको दिखाया था, लंबा फरमा आई खिंचाई के मतलब का काफ़ी बढ़िया फरमा है, ये देखिए। और एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि जो ये नीली में कमाने हैं ना, काफ़ी मतलब ये देखिए, जैसे कहते हैं ना रसीली कमानी, रबड़ की तरह, ये देखो कितनी रसीली कमानी है, कमानी काफ़ी बढ़िया है। उसके बाद यहाँ पे आती है, देखिए काली आ जाएगी, ये हमें थोड़ी सस्ती पड़ गई थी, ये हमें 14 रुपये की एक पतंग पड़ गई थी काली, देख सकते हैं, ये थोड़ी सी हार्ड है कमानी, ये थोड़ी कमानी इनकी हार्ड है, ये 14 रुपये की पड़ी थी भाई हमें। उसके बाद देखिए, अब जो ये पतंगे नीचे रखी है, ये हम मैदान से कुछ पतंगे खरीद के लाए, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, मैदान में हमें पड़ी थी 12 रुपये की पतंगे पड़ गई थी, और पतंगे देखिए आप, पहली आप देख सकते हैं राजा की है, पहली पतंग आप देख सकते हैं राजा की पतंग, ये देखिए अगर आपको यहाँ पे फोकस हो रहा होगा तो राजा की पतंग है, ये देखिए आप। तो देखिए, ये पतंग रही राजा भाई की पतंग। उसके बाद देखिए, एक पटेदार है, ये हैं आपके बरेली के रीतु रस्तोगी की पतंग है, ये भी गोल फरमा है। उसके बाद देखिए, ये लोकल पतंग है, नाम कहीं नहीं लिखा, ये भी गोल फरमा है, सब मैदान से खरीदी है। उसके बाद ये पतंग रही भाई अपने बरेली के अश्विनी भाई की पतंग।
काफ़ी बढ़िया पतंगे बनाते हैं बरेली के, और इनकी भी मैंने वीडियो बना रखी है। देखिए अश्विनी भाई की पतंगे, ये यहाँ पे इनकी स्टैंप लगी है, ये देख सकते हैं आप स्टैंप, और आपको क्लियर हो रही होगी स्टैंप, मैं आपको फोकस करता हूँ। ये देखिए ये रही इनकी स्टैंप, यहाँ पे लिखा है अश्विनी काइट बरेली। तो ये है भैया इनकी पतंग, काफ़ी अच्छी पतंगे हैं। तो देखिए मांगदार, उसके बाद ये देखिए ये रही बरेली की पतंग है, उसके बाद ये पतंग है भाई नाजिम की, मुरादाबाद के नाजिम की पतंग, देख सकते हैं मुरादाबाद के नाजिम की है, ये बरेली की है। फिर बस इसकी बात ये है लोकल ये कुछ पतंगें, लेकिन एक सब कन्ने बंदी भी पतंगें थी, तो कन्ने तो हमने काट दी कि बैग में आती नहीं, लेकिन टेपिंग करी पतंगे और चेक करी पतंगे होती हैं। ये देखिए आप ये रही सारी पतंगे, स्टार देख सकते हैं कितना बढ़िया स्टार बना, ये भी गोल फर्मे की है। उसके देखिए ये रही ये रही ये रही, ये है आपके मिर्जा जी की पतंग फरमा, ये भी काफ़ी अच्छा है, ये देख सकते हैं। उसके बाद फिर हमारी वही पतंगें आ जाती है जो मैंने आपको पहले दिखा रखी है, इसमें एक दो पतंगें अच्छी हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये भी गोल फरमे का ढोल, गोल फरमे का ढोल है, लंबा डाल दो मज़ा आ जाएगा। ये देखो आप डोर बहुत पिएगा, अभी तो ये आपको बहुत हल्की लग रही होंगी कमानी, लेकिन आगे जाके डोर बहुत पिएगा। ये है भाई आपकी महताब की पतंग, मार धाड़ के पेच के लिए सबसे बेस्ट पतंगें होती हैं उनकी, लंबे फरमे की। देखिए ये देखिए फरमा आप, देखा आपने। तो दोस्तों देखिए ये इतनी सारी पतंगें मैंने आपको दिखा दी, और कुछ पतंगें रखी हैं ये मैंने आपको पहले दिखा रखी है। तो ये देखिए इसमें कुछ खरीदी हुई पतंगें थी जो हम मैदान से ख़रीद के लाए थे, ये देखिए जो आप ऊपर से पतंगें दिख रही होंगी ना, ये सारी मैदान की खरीदी हुई पतंगें हैं, और जो आपको पीछे को दिख रही होंगी, और ये थोड़ी बहुत बैग के अंदर रखी हैं, ये देखिए जो ऐसे करके रखी हैं सब, ये ऐसे आठ का मैंने आठ आठ का चौक बना रखा है। तो ये वाली जो पतंगें हैं ये देखिए हम दुकान से ख़रीद के लाए थे, तो पतंगें सब अच्छी हैं। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, और देखिए ये वाली वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में। तो मिलते हैं फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।